हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वुज़ू किया और ख़ूब अच्छी तरह वुज़ू किया तो उसके सारे गुनाह निकल जाएंगे, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान बंदा वुज़ू करता है तो उसमें अपने चेहरे को धोता है, उस पर पानी डालता है, तो पानी के साथ उसके चेहरे से वो सारे गुनाह निकल जाते हैं जो उसकी आँख से हुए होते हैं। उसके बाद जब वो अपने हाथ धोता है तो सारे गुनाह उसके हाथों से खारिज हो जाते हैं और धुल जाते हैं जो उसके हाथों से हुए हों। उसके बाद जब वो अपने पाँव धोता है तो सारे गुनाह उसके पाँव से खारिज हो जाते हैं जो उसके पाँव से हुए हों, जिनके लिए उसके पाँव इस्तेमाल हुए हों, यहाँ तक के वुज़ू से फारिग होने के साथ वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। यही वजह है कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि हमें वुज़ू का बहुत अच्छे से एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बावुज़ू रहा करते थे और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को भी हमेशा बावुज़ू रहने की आप तालीम और तरबियत दिया करते थे। और सहाबाए किराम का मामूल भी यही रहा कि वो एक वुज़ू टूटता था फ़ौरन ताज़ा वुज़ू कर लेते थे। अब हमारे यहाँ तो रिवाज ये पड़ गया ना कि नमाज के लिए वुज़ू करेंगे, तो ये दीन इस्लाम में सिर्फ नमाज के लिए वुज़ू नहीं है बल्कि हर नापाकी के बाद वुज़ू है। आप बैतुल खला में गए, चाहे आपने पेशाब किया, पखाना किया, वुज़ू या री खारिज हो गई या खून पीप निकल गया, वुज़ू टूट गया, तो फ़ौरन ताज़ा वुज़ू कर लें। क्यों? वुज़ू की वजह से गुनाह धुल जाते हैं। देखिए, वुज़ू की दो कैफियतें हैं, एक ज़ाहिरी है एक बातिनी है। ज़ाहिरी क्या है कि सफाई हो जाती है, मुंह धुल जाता है, हाथ धुल जाते हैं, पांव धुल जाते हैं, ये ज़ाहिरी है। और दूसरी कैफियत है बातिनी कि जब इंसान वुज़ू करता है तो उसका दिल साफ़ हो जाता है, दिल पाक होता है। और दिल मैला कैसे होता है? आँखों की गुनाहों की वजह से दिल पर असर पड़ता है, ज़बान की गाली गलौच और बुराई की वजह से दिल पर असर पड़ता है, कानों के ज़रिए गलत बात सुनने की वजह से दिल पर असर पड़ता है। तो इंसान जो गुनाह भी करता है उसका असर कहाँ पड़ता है? दिल पर। और जब वुज़ू करता है तो ये सारे आज़ा उसके साफ़ होते हैं, धुलते हैं, तो इसकी वजह से उसके दिल पर उसकी सफाई का असर पड़ता है, तो उसका बातिन और उसकी रूह पाक हो जाती है, साफ़ हो जाती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू को ताकीद के साथ अच्छे तरीके से करने का हुक्म दिया और यूं फरमाया कि जो कोई तुम में से वुज़ू करे, मुकम्मल वुज़ू करे, और फिर वुज़ू के बाद यूं कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो लाजमी तौर पर उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खुल जाएंगे, जिस दरवाज़े से भी चाहे जन्नत में जा सके। यहाँ तक के फरमाया कि क़यामत के दिन जो इंसान बावुज़ू रहने का एहतमाम करेगा तो उसके आज़ाए वुज़ू चमकेंगे, उसके आज़ाए वुज़ू चमकेंगे। और एक हदीस मुबारक का मफ़ूम है, आपने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने सारे इंसानों में आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? आपने फरमाया कि मैं उनको उनके आज़ाए वुज़ू से पहचानूँगा, कि जो बावुज़ू रहने का एहतमाम करेगा क़याम में उसके आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे। अब हम चेहरा धोते हैं, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लोब से दूसरे कान की लोब तक पूरा चेहरा धोते हैं, इसमें नाक भी साफ़ हो गई, कुल्ली भी हो गई, आँख भी धुल गई, कान भी साफ़ हो गए, पूरा चेहरा, सारे गुनाह साफ़ हो गए। इस तरह हाथ धोते हैं कोहनियों से ऊपर तक, पाँव धोते हैं टखनों से ऊपर तक, तो ये सुन्नत तरीका है। अब एक सहाबी ने जब ये सुना कि आज़ाए वुज़ू क़यामत के दिन चमकेंगे, तो उन्होंने क्या किया, वुज़ू में आज़ा को धोते हुए एहतमाम करना शुरू किया। एहतमाम का मतलब ये है कि कोहनी से ऊपर तक धोने हैं, वो उससे भी ऊपर तक धोने लगे, यानी कंधे से नीचे तक, आधी आधी बाजू तक, और पाँव धोते तो पिंडली तक धोने लगे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा कि मैं चाहता हूँ क़्यामत के दिन मेरे आज़ाए वुज़ू ज़्यादा चमके, आज़ाए वुज़ू ज़्यादा चमके। तो सहाबा किराम को ऐसा शौक़ होता था, अच्छी बात सुनते थे, उसको अमल करने का शौक़ ऐसे पैदा होता कि वो और बढ़ चढ़ कर करते।
तो बाज़ मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अमल को देखकर उनको तकलीफ़ के अंदेशे से रोकते भी थे, कहीं ज़्यादा तकलीफ़ में ना पड़ जाएँ। लेकिन सहाबा किराम का शौक़ ऐसा था कि वो इसका अहतमाम किया करते। देखिए वज़ू में दो चीज़ें हैं, एक है पाकी और एक है सफाई, और वज़ू में दोनों चीज़ें मतलूब हैं, सफाई भी मतलूब है और पाकी भी मतलूब है। सफाई का मतलब क्या है कि हाथ मुंह पाक साफ़ हो जाएं, गंद दूर हो जाए, मैल कुचैल दूर हो जाए, यह है सफाई। सफाई की वजह से इंसान पाक नहीं होता। कैसे पाक नहीं होता? सफाई की वजह से पाक इसलिए नहीं होता कि काफिर है ना, वो भी तो साफ़ होता है लेकिन पाक नहीं होता। शराब जो है अच्छी बनी होती है, अच्छी बोतलों में होती है लेकिन पाक नहीं होती। खंजीर को जितना मर्जी नहला लो, उसको साफ सुथरा कर लो, उसमें खुशबुएं लगा लो, पाक होगा? नहीं। पाक क्यों नहीं होगा? इसलिए कि पाकी और नापाकी का ताल्लुक अल्लाह के हुक्म के साथ है। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को पाक कहा है वो पाक होगा, और अल्लाह ताला ने जिसको नापाक कहा है वो नापाक होगा। यही वजह है कि आज़ाए वजूद होने के बाद पाकी का हुक्म कुरान पाक में है कि या अय्युहल लदीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग्सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुसिकुम वारजुलकुम इलल काबैन। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने चार चीज़ों को धोने का हुक्म, तीन चीज़ों को धोने का और एक को मसह करने का हुक्म दिया। तो अल्लाह के हुक्म की वजह से जब हम वजू करते हैं तो पाक हो जाते हैं, तो सफाई भी हो जाती है और पाकी भी हो जाती है। सिर्फ हम ज़ाहरी साफ़ नहीं होते। अब यही वजह है कि जब पानी ना हो तो क्या हुक्म है कि तयम्मुम कर लो। अब तयम्मुम में सफाई नहीं है, सिर्फ पाकी होती है, इसलिए कि सफाई तो पानी से होती है और तयम्मुम किस चीज़ से होता है? मिट्टी से। तो मिट्टी जब चेहरे पे लगाएंगे तो साफ होगा या गंदा होगा? गंदा हो जाएगा। तो मालूम यह हुआ कि वुजू और तयम्मुम से सफाई सिर्फ मकसूद नहीं बल्कि पाकी भी मकसूद है, और तयम्मुम करने से सफाई नहीं होती, पाकी होती है। कि इंसान जैसे ही अपने चेहरे पर मिट्टी लगाता है, हाथों पर लगाता है, तो वो पाक शुमार होता है। अब वो चाहे नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, जायज़ है उसके लिए। तो इसलिए हम जब वुजू करें तो हम कोशिश करें कि सफाई के साथ साथ पाकी भी हासिल हो, और पाकी तभी हासिल होगी जब इंसान गुनाहों को छोड़ने की नियत करेगा, तो गुनाहों को छोड़ने का इरादा करेगा तो उसकी वो पाकी उसको हासिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफहूम है कि मैं तुमको वो आमाल ना बतलाऊँ जिनकी बरकत से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाते हैं और दर्जे बुलंद फरमाते हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ज़रूर बतलाइए। आपने फरमाया, तकलीफ और नागवारी के बावजूद पूरी तरह कामिल वजू करना। सर्दी की वजह से तकलीफ़ हो रही है, या दर्द है बदन में, या बुखार है, या कोई ऐसी कैफियत है, तकलीफ़ है, नागवारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कामिल तरीके से वजू करना। नंबर दो, मस्जिदों की तरफ कदम ज़्यादा पड़ना, बार बार मस्जिद जाना, बार बार मस्जिद जाना है, दिन के वक्त में भी रात के वक्त में भी मस्जिद की तरफ कदम ज़्यादा पड़ना। नंबर तीन, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का मुंतज़िर रहना। नमाज पढ़ ली फौरन उठ के भाग गए? नहीं, नमाज पढ़ ली बैठ गए, तस्बीहात पढ़ ली, दुआ हो गई, अब भी बैठे हुए जिक्र कर रहे हैं, नहीं थोड़ा रुक जाऊं और फिर जाऊंगा, क्योंकि जितनी देर बैठा रहूंगा सवाब ज़्यादा मिलेगा। किसी ने पूछा, भाई आप अभी तक गए नहीं? भाई मैं सोच रहा था मैं अगली नमाज भी पढ़ के चला जाऊँ, इरादा ये है लेकिन मजबूरन जाना पड़ रहा है। तो अब ये क्या मुंतज़िर है नमाज का, भाग नहीं रहा फौरन। और चौथी चीज़ फरमाया कि इस हदीस मुबारका में तीन चीज़ों का जिक्र है, चौथी चीज़ का जिक्र गालिबन मुहद्दिसीन से रह गया है। फरमाया कि जिस चीज़ से गुनाह मिटते हैं और दर्जे बुलंद होते हैं, वो आमाल आपने बतलाए कि वो तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, तकलीफ़ और नागवारी के बावजूद पूरी तरह कामिल वजू करना। नंबर दो, मस्जिदों की तरफ कदम ज़्यादा पड़ना। नंबर तीन, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का मुंतज़िर रहना। और फिर आगे फरमाया कि यही हकीकत में रिबात है। क्या है रिबात? अब रिबात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो उर्दू ज़बान में रिबात किसे कहते हैं? रिबात कहा जाता है कि, वैसे इसका जो तर्जमा है वो है
दुश्मन से हिफाजत के लिए सरहद पर पड़े रहना, यह असल रिबात का लफ्ज है। रिबात अरबी जबान का लफ्ज है, उर्दू में तर्जमा क्या है? दुश्मन से हिफाजत के लिए सरहद पर पड़े रहना, पड़ाव डाल लेना, वहां पर खेमे लगा लेना सरहद पर, ताकि दुश्मन हमलावर ना हो। अब यहाँ पर फरमाया कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का मुंतजर रहना, यही रिबात है। क्या मतलब? कि जब आप एक नमाज के बाद बैठकर इंतजार करेंगे दूसरी नमाज का, या आप बावजू रहेंगे दूसरी नमाज के इंतजार के लिए तैयार रहेंगे, तो शैतान जो दुश्मन है उससे हिफाजत रहेगी, शैतान जो दुश्मन है उससे हिफाजत रहेगी। लिहाजा हमें हर वक्त बावजू रहने का एहतमाम करना चाहिए। आपने असर की नमाज पढ़ ली, आप चले गए घर पर चाय पी, फिर आ गए वापस मस्जिद की तरफ मगरिब के लिए, आपका वजू नहीं टूटा, आपका वजू बरकरार है। अब दोबारा वजू कर लें, इसलिए कि एक वजू से एक इबादत हो चुकी है, दोबारा करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने बावजू होने के बावजूद दोबारा ताज़ा वजू किया, उसके लिए 10 नेकियाँ लिखी जाएंगी, इजाफी नेकियाँ, इसलिए कि इसके बावजू होने के बावजूद इसने वजू किया। अगरचे एक वजू से कई नमाजें पढ़ना जायज है, एक वजू से असर पढ़ लिया मगरिब भी पढ़ना जायज है, लेकिन ताज़ा वजू करने पर अल्लाह की तरफ से 10 नेकियाँ ज़्यादा मिलेंगी। और अल्लाह ताला जब नेकियाँ अता फरमाते हैं तो अपनी शायान शान अता फरमाते हैं। जिस तरह एक मैं हूँ गरीब आदमी, किसी को कुछ दूंगा तो 10-20 रुपए दूंगा, 100 रुपए दे दूंगा, कोई अमीर देगा तो वो 1,00,000 रुपए देगा, 1,000 रुपए देगा, वो अपनी हैसियत के हिसाब से देगा। तो अल्लाह बादशाहों के बादशाह हैं, खजानों के मालिक हैं, तो अल्लाह जब देते हैं तो अपनी शायान शान अता फरमाते हैं, बड़ा चढ़ा कर अता फरमाते हैं। हाँ, बेवजू रहने से अपने आप को बचाना चाहिए। अगर मस्जिद में होते हुए भी बेवजू अगर हो जाएँ, फौरन मस्जिद से निकल जाएँ, वजू कर कर आएँ, बेवजू ना बैठें। यही वजह है कि नमाज में भी हुक्म है कि दौरान नमाज किसी की रीह खारिज हो गई, कोई दाने से पीप से खून पीप आ गया, खून निकल गया, या वजू टूट गया, ज़ोर से कहका लगा दिया, वजू टूट गया, तो आप नमाज उसी टाइम तोड़ें, वापस जाके वजू करें, दोबारा नमाज में आएँ। क्यों ज़रूरी है? एक सहाबी से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फजर की नमाज पढ़ी और उसमें आपने सूरत रूम शुरू की और आपको उसमें इश्तिबा हो गया, खलल पड़ गया, यानी कि आप भूलने लगे, गलती हुई आपसे। जब आप नमाज पढ़ चुके तो आपने फरमाया कि बाज़ लोगों की ये क्या हालत है कि हमारे साथ नमाज में शरीक हो जाते हैं और वजू अच्छी तरह नहीं करते, बस यही लोग हमारे कुरान पढ़ने में खलल डालते हैं। तो गोया के एक नमाजी जो जमात में शरीक है, उसके बेवजू होने का असर इमाम पर पड़ा, आपकी तिलावत पर पड़ा। तो यही वजह है कि फरमाया कि मस्जिद में बाजमात पढ़ते हुए हम पाक साफ होने का खूब एहतमाम किया करें, इसलिए कि कोई एक भी ज़रा सा भी नापाक रह गया या बेवजू हो गया तो इमाम की नमाज पर भी उसका असर पड़ेगा, जिसकी वजह से किसी की नमाज भी कबूल नहीं होगी। लिहाजा हमें इसका खूब बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। वजू का मसनून तरीका क्या है? वजू का मसनून तरीका यह है कि हम क़िबला रुख होकर बैठें, लेकिन मस्जिदों में वजू खाने होते हैं या हम घरों के अंदर वजू करते हैं तो बाद में क़िबला रुख नहीं होता, तो अफजल ये है कि क़िबला रुख हो जाए, ना हो तो कोई हरज की बात नहीं है। हम सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुआ पढ़ें। अगर हम गुसल खाने में जाते हैं तो बाहर दुआ पढ़कर चले जाएँ, पहले से बाहर ही बिस्मिल्लाह पढ़कर अंदर जाएँ वजू के लिए। वजू खाने में तो आप पढ़ सकते हैं, कहीं बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दोनों हाथों को ये गट्टे होते हैं, गट्टे गट्टों तक 3 मरतबा धोना अच्छे तरीके से, इनको मलना धोते हुए, उसके बाद कुल्ली करना, कुल्ली करके फिर दाएं हाथ की शहादत की उंगली को दांतों पर मलना और मिसवाक करना। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली मर ले, वरना मिसवाक करना सुन्नत है। मिसवाक के क्या फ़वाद हैं, इंशाल्लाह मुस्तकिल दर्स इस पर होगा, आइंदा दर्स में मिसवाक के फ़ज़ाइल बयान होंगे, मिसवाक के क्या फ़ायदे हैं, मिसवाक का आपने कैसे हुक्म दिया, आपके क्या अमल था मिसवाक के बारे में। तो फिर दांत साफ कर लें, फिर उसके बाद जो है नाक में पानी डालना है, सीधे हाथ से भी डाल सकते हैं, उल्टे हाथ से भी, लेकिन नाक की सफाई उल्टे हाथ से की जाए, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ किया जाए। नाक साफ करने के बाद फिर जो है 3 मरतबा चेहरा धोना है, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लोह से दूसरे कान की लोह तक वजू करें। पानी डालते हुए यूँ पानी लेकर यहाँ से यूँ डालें, माथे से यूँ मलते हुए आए, आंखों भी मल लें, यहाँ भी मल लें, इस जगह कानों के आगे ये जगह ये खुश्क रह जाती है, दाढ़ी के पीछे जो जगह है ये जगह अक्सर खुश्क रह जाती है, यहाँ हाथ ज़रूर मार लें वजू करते हुए, ताकि यहाँ वजू, अगर यहाँ पानी नहीं लगा तो वजू नहीं होगा। चेहरा 3 मरतबा धो लें, उसके बाद दायां हाथ फिर बायां हाथ 3 मरतबा कोहनियों से ऊपर तक,
उसका तरीका ये है कि यूं मुट्ठी में पानी लेकर यूं उसको डालें और यूं हाथ मले। पानी बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है, एक मुट्ठी पानी ही लेकर मल लें काफी है, फिर दोबारा लें फिर उसको मल लें, फिर तीसरी मरतबा इस तरह बाएं हाथ भी धोएं। बाद मरतबा यूं धोने की जगह नहीं होती, साथ कोई वुजू कर रहा होता उस पर पानी चला जाता है, तो बेहतर है कि नल के नीचे हाथ करके वुजू और हाथ धो लें ताकि दूसरे को पानी ना जाए। लेकिन सुन्नत यही है कि यूं चुल्लू में पानी लेकर धोएं, और मलना शर्त है ताकि कहीं खुश्क जगह न रह जाए। उसके बाद दोनों हाथों को तर करके सर का मसा करना है, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। तीन उंगलियां हैं, इनको माथे पर रख कर यूं लग के पीछे गुद्दी तक ले जाएंगे, फिर ये हथेलियां जो है यूं साइडों पे रख कर आगे यूं ले आएंगे, पूरा सर का मसा हो गया, उंगलियां रह गई और अंगूठे। उंगलियों से कान के अंदर का मसा कर लिया, अंगूठे से कान के पीछे का, बैक साइड रह गई तो ये यहाँ लगा ली गर्दन। तो ये है सर का और गर्दन का गुद्दी का मसा, एक मरतबा हाथ तर करके सारा मसा कर रहे हैं। हर मसा के लिए अलग अलग पानी नहीं लेना। मसा करने में और धोने में फर्क ये है कि मसा करते करने के बाद पानी टपकेगा नहीं, और धोने के बाद पानी टपकेगा। अब बाद मरतबा मसा भी हम ऐसा करते हैं कि पानी टपक रहा होता है सर से, तो वो मसा नहीं होता, वो धोना होता है। तो धोने और मसा करने में फर्क होना चाहिए। और आखिरी फर्ज क्या है, दोनों पाओं को टखनों समेत धोना तीन मरतबा, पहले दायां पाओ फिर बायां पाओ। दाएं पाओ को धोते हुए छोटी बाएं हाथ की छोटी उंगली से उंगलियों के दरमियान में खिलाल करना, इसी तरह बाएं पाओ में भी, और जो है पाँव धोने से पहले उंगलियों का खिलाल भी कर सकते हैं। दाढ़ी है, जब मसा करेंगे तो दाढ़ी का खिलाल भी हाथ थर करेंगे, यूं करके दाढ़ी में हाथ मार लें या यूं मार लें, दोनों सही है। सिर्फ हाथ लगाना काफी है, पूरा गीला करना जरूरी नहीं है। हाँ, जिसकी दाढ़ी यहाँ से बिल्कुल ये हल्की है, चेहरा दिख रहा है, तो चेहरे को धोना जरूरी है। दाढ़ी घनी हो तो धोना जरूरी नहीं है, बस पानी लगा लिया मसा कर लिया काफी है। उसके बाद दुआ पढ़ ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुतत्ताहिरीन। इस तरीके से हम जब सुन्नत के मुताबिक वुजू करेंगे तो हमारी सफाई भी हो जाएगी और पाकी भी हासिल हो जाएगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।